If you want to 6-star every builder base attack with low level troops, this is the perfect video for you. How heavy is that? Light work and the pace on the track on my face in the back, like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles on the round. स्वागत है आप सभी का बिल्डर बेस 2.0 रश टू मैक्स सीरीज के इस पहले एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं वो है एक ऐसी अटैक स्ट्रेटजी जो लो लेवल ट्रूप के साथ परफॉर्म की जा सके एंड भाई अच्छे रिजल्ट्स भी आए। अब देखो हम सभी लोग जो लोग जिनका बेस रश है उनके ट्रूप्स भी ऑफकोर्स पूरे रश ही होंगे। जितने आप देख रहे हो लेवल 15 और ये 13 देख रहे हो ना, ये मैंने नहीं किए हैं, सुपर सेल ने अपडेट के बाद सभी लोगों के ये मिनिमम कर दिया लेवल। तो जितने भी लोगों के पास हॉग लाइटर अनलॉक था, पैका अनलॉक था, तो ऑटोमेटिकली इस लेवल पे उनका भी पहुंच गया होगा, ठीक है। तो एक तरह से इन्हीं ट्रूप्स को जो सुपर सेल ने हम लोगों को हेल्प किए ना, इन्हीं ट्रूप्स को यूज करके आज मैं आपको हॉग लाइटर की एक ऐसी स्ट्रेटजी दिखाऊंगा जो कि भाई मतलब लेवल 15, जो कि इससे नीचे किसी के पास अभी हॉग लाइटर हो ही नहीं सकता, ये मिनिमम लेवल है। तो इस लेवल के हॉग लाइटर से कैसे आप लोग BH9 के बेसिस को उड़ा सकते हो, वो भी 6-स्टार अटैक, ठीक। तो मैं अटैक स्ट्रेटजी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी आप डेली अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पर देखते रहें। चलिए गाइस सीधा हम लोग आपको समझाते हैं सारी चीजें कैसे आपको यहां पे अटैक परफॉर्म करना है। तो देखो भाई सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूं बेस में आपका प्लान क्या होगा। दो क्रशर्स होते हैं हर बेस पे, एक होगा या फिर दो होगा, तो इनको कुछ भी करके निकालना है और ऐसे निकालना है कि आपकी हॉग लैडर वेस्ट ना हो, बिकॉज हॉग लैडर का जो बंच है ना वो साथ में घूमता है और भाई ये क्रशर एक बार में उन सभी को खा लेते हैं। तो इसलिए इनको पहले अगर आप निकाल दोगे ना तो भाई पूरी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग को एक कैनन कार्ड छोड़ना है, जिस देखो दोनों साइड क्रशर है तो मैंने दोनों साइड से कैनन कार्ड छोड़ दिया। एंड भाई देखो आर्च टावर देखो यहाँ पे कितना, इसकी रेंज देखो, तो आर्च टावर की रेंज में गलती से नहीं आना है, इसकी रेंज में भी नहीं आना है, सेम वे में यहाँ पर भी, ठीक है। अगर इसकी रेंज में आ गए भाई तो फिर आपका ये प्लान चॉप आउट हो जाएगा। तो बहुत ही प्रिसाइज भाई ये पार्ट सबसे मेन है, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपका अटैक फिर इतनी आराम से हो जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो भाई मेरे जो मोटार्स हैं वो कितने आराम से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भाई गलती से अगर 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे हो गया ना मैं तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ध्यान से आपको करना है सब कुछ। एंड जैसे ही क्रशर निकल जाए उसके बाद कन्फर्म हो जाएगा कि आपका बेस ये कोई 3-स्टार होने से रोक ही नहीं सकता, फिर हम सेकेंड स्टेज की बात करेंगे। तो अब देखिए भाई कैसे यहाँ पर मल्टी हमारा जो मोटार है वो काम कर रहा है। अब ये वाला देखो क्वेश्चन मार्क इस पे आ गया, तो मैंने इसको हल्का सा आगे बढ़ाया, देखो तुरंत फिर मैंने इसको वापस मोटार मोड पे डाल दिया। तो हल्का सा आगे बढ़ाना है फिर तुरंत मोटार मोड पे डालना है, ठीक है। इस तरीके से करोगे तो रिस्क नहीं रहेगा, और अगर आप ज़्यादा उसको घुमा दोगे मतलब और मतलब सिंपल मोड में तो वो आर्च टावर की रेंज के अंदर फंस जाएगा। अब धीमे धीमे करके आपको ऐसे मतलब टेस्ट करते रहना जहाँ पर वो रेंज के अंदर पहुँच जाए, क्रशर की रेंज के अंदर। तो मैं उसका ही वेट कर रहा हूँ, जैसे ये वाला आप देखो क्रशर पे पहुँच चुका है। तो ऐसा नहीं है भाई कि मोटार जब इसको कवर कर लेगा तो ही क्रशर को डिस्ट्रॉय करेगा, अगर हल्का सा भी लाइन भी छुप गई ना उसके ग्रास पर तो भी वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको बस इतना ही मतलब करना है। एंड यहाँ पर देखो दोनों अपने मोटार्स विदाउट एनी डैमेज, तो अगर आपके यहाँ पर जो ये कैनन कार्ट है ना अगर ये लेवल 1 के भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस, बिकॉज आपको कैनन कार्ट से थोड़ी ना मतलब कोई मतलब आपके कैनन कार्ट को तो 0 HP का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आपके कैनन कार्ट को कोई मार भी नहीं रहा है। तो आपके कैनन कार्ट अगर लेवल 1 के भी है ना तो भी ये चीज़ तो आप सेम तरीके से उससे भी करवा सकते हो, तो समझ रहे हो बोलना मैं क्या चाह रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले अपना ड्रॉप किया भाई बैटल मशीन, एंड बैटल मशीन के पीछे मैंने सारे के सारे हॉग ग्लाइडर बंच में डालना स्टार्ट कर दिया। एंड ये करते ही आप देखो भाई अपनी बैटल मशीन की हेल्थ कम हो रही है और इसी का फायदा उठा के हॉग ग्लाइडर सारे डिफेंसेस को आराम से निपटा रहे हैं। तो बैटल मशीन की आपको हेल्थ एक तरह से गार्ड के लिए यूज़ करना है। एंड अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी इस बेस में, इस बेस को कोई कुछ भी मतलब रोक नहीं सकता 3-स्टार होने से, क्योंकि हॉग ग्लाइडर को कोई परेशान नहीं कर रहा, क्रशर निकल चुके हैं सारे। एंड मैंने थोड़ा जल्दी काम कर दिया था, क्रशर यहाँ पे एक्चुअली बचा हुआ था एंड टाइम फेल ना हो इसलिए मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से फिर भाई हॉग ग्लाइडर इतनी जल्दी से बेस खा लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस आपको क्रशर्स निकालने हैं फिर बेस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो क्या सिंपल, अगर क्रशर नहीं भी निकल पाता है तो भी आप 5-स्टार तो एटलीस्ट कन्फर्म कर ही सकते हो किसी भी बेस पर। मैंने मतलब जितने भी इसे अटैक किए मोस्टली सारे मेरे 5-स्टार गए हैं। एंड 6 देखो यार रश आर्मी है तो 5-स्टार ही जाएगा, 6-स्टार तो हर बार कन्फर्म नहीं है, पर हाँ काफ़ी बार 6-स्टार भी गया है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी थी लेकिन यहाँ क्रशर थे नहीं, तो यहाँ पे मैंने बस अपने कैनन गार्ड को डिप्लॉय कर दिया। एंड गाइस थोड़ा सरप्राइज मिल गया, यहाँ पे टेस्ला निकल गया, तो टेस्ला की वजह से फिर हमें थोड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि उन्होंने हमारे पूरे प्लान को यहाँ पे बदल सा दिया। पर कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे इनका इतना रोल नहीं है, यहाँ पर आपको री इन्फोर्समेंट कैम्प में जो हॉग राइडर्स मिल रहे हैं ना तो उनसे आपका काम हो जाएगा। वैसे ये बेस तो यार छोटा होता है ना कंपेयर टू जो हमने पहला अटैक किया, तो इसलिए इसमें ना जितना हमारे पास आर्मी है इतने सारे हॉग ग्लाइडर इनफ होंगे। तो पहले मैंने नॉर्मल वाले ड्रॉप किए, फिर जो नए वाले थे जिनके पास मतलब स्टन एबिलिटी थी उनको मैंने मतलब इस वाले मेगा टेस्ला के आसपास से ड्रॉप किया। देखो ये यहाँ से आएंगे इनको, फिर यहाँ पे ये दो बीच के मेन डिफेंसेस को टारगेट करेंगे। तो पहले आपको नॉर्मल वाले हॉग ग्लाइडर डिप्लॉय करने, फिर साइड से आपको ये नए वाले हॉग ग्लाइडर्स डिप्लॉय करने, और बस हो गया भाई, अब इसमें कुछ नहीं बचा, ये बेस पूरा ख़त्म है। तो इस इतनी आराम से भाई ट्रूप्स बच भी गए, देखो यार कितना आसान है।
सिक्स स्टार करना। और भाई लो लेवल ट्रूप के साथ कर रहे हैं हम लोग, ये मिनिमम लेवल का ट्रूप है, लेवल 15 का हॉग ग्लाइडर जो कि सुपर सेल हमें खुद देता है मिनिमम। एक और अटैक देखते हैं, चलो थोड़ा सा डिफरेंट बेस। अब इस बेस में भी क्रशर बाहर है, लेकिन यहाँ देखो इसकी रेंज देखो आप, जो यहाँ पे भाई दो बाहर आर्च टावर है ना, और ये देखो ये, तो ये बेसिकली ना हमारे इस बार प्लान को नहीं होने देंगे, इसलिए इसमें प्लान थोड़ा अलग था, इस बार थोड़ा अलग था लेकिन काम सेम ही था। तो पहले मैंने यहाँ पर जो अपना जो है कैनन ड्रॉप किया, उससे पहले मेरा प्लान था कि मैं इन सब चीज़ों को निकाल लूँ, तो वही देखते हैं हो पाएगा कि नहीं, आप भी देखना कैसे होता है सब कुछ, ठीक है। एंड आर्च टावर की रेंज से भी बाहर लेना था बहुत सोच समझ के। अब यहाँ दिक्कत क्या थी ना, ये जो नमूने मतलब सॉरी इन गार्ड पोस्ट है ना भाई, ये परेशान करने आ जाते हैं जब भी आप ड्रॉप करते हो, देखना भी आएगा घूम के, ये थोड़ी देर में आ जाएगा। अब पहला वाला जो कैनन कार्ट है उसको मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, धीमे धीमे आगे बढ़ाना है, एक एक सेंटीमीटर, ऐसे नहीं भाई कि बिल्कुल आगे बढ़ा दिया सीधा यहाँ पहुँच गया आपका कैनन कार्ट, तो फिर आर्च टावर परेशान करने लगेगा। अब इस साइड में मेरी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ये वाला जो कैनन कार्ट है ना, इसने अपना काम नहीं कर पाया था क्योंकि ये गार्ड पोस्ट के ट्रूप्स आ गए थे, पर मतलब चलता है अगर आपने एक रश में निकाल दिया ना तो भी आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब देखो इस वाले कैनन कार्ड को आप बस देखते रहना, नीचे वाले को इसने क्या किया, इसने पहले मतलब बहुत वैल्यू निकाल दी, जैसे आप देख रहे हो डबल कैनन जो कि बहुत खतरनाक डैमेज देता है उसको तो निकाल दिया। एंड दूसरे साइड से आप देख सकते हो ये वाला क्रशर भी यहाँ पे अपना मतलब क्रशर को भी हम टारगेट कर पा रहे हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे, ये देखो टारगेट पे आ चुका है, थोड़ा और ये देखो, तो ऐसे एक एक सेंटीमीटर आपको टेस्ट करना है, ऐसा नहीं कि एकदम से आगे बढ़ा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड अब देखो इसकी बात कर रहा था मैं, ये दोनों नमूने यहाँ पर आ गए, इसकी वजह से मुझे अपने बैटल मशीन को डिप्लॉय करना पड़ा, तो यहाँ थोड़ा प्लान चौपट सा हो गया मेरा, पर मतलब फिर भी हमने रिकवर कर लिया था इस अटैक को, वो तो आप देख ही चुके हो, 40% ट्रॉफीज मिली थी इस अटैक में। एंड इसके बाद फिर जब प्लान चौपट हो ही गया था तो हमने फिर हॉग ग्लाइडर को ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसके बाद भी ये बेस में कुछ बचा था नहीं, क्योंकि देखो बाहर जो ये मेन मल्टी मोर्टार था इसको हमने पहले स्टन कर दिया, बस यहाँ पर ये बच रहा था एक, तो इससे थोड़ा निपटना था, वो हमारी बैटल मशीन की एबिलिटी ने करवा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितने आराम से बेस निकल चुका है। बैटल मशीन की एबिलिटी आप थोड़ा पहले दे देना, मैं पागल हूँ यार, मैंने बैटल मशीन की एबिलिटी इतनी लेट दी, थोड़े हॉग राइडर्स बचा सकता था अगर मैं पहले दे देता। तो आपको मेरी गलतियों से भी सीखना है, जो मैं गलती कर रहा हूँ वो आपको नहीं करना है, पता चले आप भी हॉग अपने बैटल मशीन की एबिलिटी लास्ट तक बचा के रखो, जब उसकी सेकंड स्टेज पहुँच जाए यूज़ कर लेना, बिकॉज फिर थर्ड स्टेज जब तक उसकी पहुँचेगी ना तब तक हॉग ग्लाइडर सारे मर जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं होगा बचा के, तो सेकंड स्टेज पर उसकी एबिलिटी यूज़ कर लेना। अब गाइज यहाँ पर आते हैं हम लोग सेकंड, इसमें थोड़े हमारे ट्रूप्स कम बचे थे, तो यहाँ पर प्लान थोड़ा डिफरेंट था, ये बेस थोड़ा मतलब हार्ड था, तो इसमें प्लान क्या था मैं आपको समझाता हूँ। इसमें प्लान ये था, जो मेन बिल्डिंग्स है ना, जैसे ये हो गई, लावा लॉन्चर हो गया, इनको एक बार निकाल दो तो फिर बाकी का बेस तो अपने आप निकल जाएगा। तो मैंने सीधा भाई यहाँ पे अपने कैनन कार्ड डिप्लॉय किए, पर वही सेम यार टेस्ला निकल गया एक साइड से, तो टेस्ला की वजह से हमारा प्लान हर बार चौपट हो रहा है सेकंड स्टेज में, पर एक तरह से चलता है, मतलब इस सेकंड स्टेज में आपके कैनन कार्ड अगर हैं भी नहीं ना तो भी आपका सिक्स स्टार हो सकता है, क्योंकि कैनन कार्ड का कुछ रोल होता नहीं है वैसे, बस थोड़ा स्टार्टिंग में अगर आपको हेल्प मिल जाए कैनन कार्ड से तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा हॉग ग्लाइडर से मैंने काम किया, तो चलिए देखते हैं कैसे काम होता है यहाँ पे। इसके बाद जैसे ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इस पे ये लॉक हो जाएगा, इसका नाम क्या है देखना आप, ये देखो, तो बस यही दिक्कत है कैनन कार्ड की रेंज के अंदर, हमारा कैनन कार्ड कैनन की रेंज में आ गया। अब सिंपल है भाई, आपको स्पैम कर देना है पहले नॉर्मल हॉग राइडर्स, फिर आपके पास जो नए वाले हैं उनको पीछे से ड्रॉप कर देना है, बस इतना ही करना है आपको। एंड ये बेस में ना वो नहीं है टेस्ला मेगा टेस्ला, तो इसलिए थोड़ा आसान है ये। एंड बेसिकली इस बेस पे बस यही है कि आपको मेन बिल्डिंग पहले निकाल देनी है। मैंने गलती यहाँ पे की थी बता देता हूँ, मेरे को एक हॉग ग्लाइडर स्टन वाला यहाँ से छोड़ना था पर मैं नहीं छोड़ा, तो ये आपको नहीं करना है, आपको जितनी मेन डिफेंस है उनके आसपास भी हॉग ग्लाइडर्स छोड़ने हैं। बट फिर भी हमारा 3 स्टार हो ही गया था, 2x पर देख लेते हैं। तो गाइस ये अटैक स्ट्रेटजी है। अब देखो, अब मैं ये नहीं बोलूंगा यार तुम इससे बिल्डर हॉल 9-10 सबको उड़ा दोगे, पर लो लेवल ट्रूप के साथ अगर आप किसी बेस पर जो थोड़ा बहुत भी मैक्स है अगर उस पर आप 3 स्टार कर पा रहे हो, 6 स्टार कर पा रहे हो, तो आई थिंक यार ये स्ट्रैटजी दिखाती है कितनी पावरफुल है। मैंने बेलगेज पैका वाली जो स्ट्रैटजी है एंड जो बेबी ड्रैगन वाली स्ट्रैटजी है वो इतनी ओवर पावर्ड है ना कि भाई वो किसी बेस को छोड़ती नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है उनके लिए आपको मैक्स ट्रूप चाहिए। अब पैका आपको लेवल 15 ही मिलेगा, 15 नहीं, और आपको लेवल 12 पे मिलेगा आपका बेबी ड्रैगन, और अगर आपने इनको मैक्स किया तो इनको यूज़ करो। अगर आपके ये भी रश हैं जैसे मेरे रश हैं तो भाई हॉग ग्लाइडर वाली स्ट्रैटजी बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपके लेवल 15 पे मतलब मिनिमम रहेंगे आपके हॉग ग्लाइडर, इससे कम पे हो ही नहीं सकते, इसलिए भाई ये बेस्ट है। एंड आप अपना BH लेवल कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके लिए भी आपके BH लेवल की बेस्ट अटैक स्ट्रैटजी लाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस अगले एपिसोड में भी ऐसी कुछ हेल्पफुल चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके रश बेस को मैक्स करना ईजी बनाएगा। एंड बेसिकली मेरा सेकंड बिल्डर फ्री है, तो मैं भी इस एपिसोड को एंड करने के बाद वापस रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ सेकंड एपिसोड, जहाँ पर हम लोग अपग्रेड के रिगार्डिंग बात करेंगे। अटैक के रिगार्डिंग तो इस एपिसोड में बात हो गई, अब बात करेंगे डिफेंसेस के रिगार्डिंग, कैसे आपको अपना बेस स्ट्रांग बनाना है।
क्योंकि आपको पता होगा भाई, अगर आप बेस को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो मेरे जैसा आपका हाल होगा, सारे -40-40 लग के चले जाएंगे। तो ये भाई, चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर हम लोग अपने बेस में कुछ काम करेंगे। एंड अगर आपने भाई ये वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल पाया तो यार सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम है, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप क्लैशिंग, पीस आउट।